जामुन दाल मखनी पनीर बटर मसाला आलू शिमला मिर्च पालक कोफ्ता दही बड़ा पापड़ी सलाद हो गया पीस पुलाव और पापड़। हमारा तो रेस्टोरेंट थाली से ही मशहूर है। तो अगर आपका मन करे 50 रुपये में पास्ता खाने का है या 50 रुपये में और कुछ भी खाने का तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे। सो हाय गाइस, अनलिमिटेड साइड पर विजी बाजी और आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह में। मैं इसके लोकेशन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जैसे मैं हमेशा देता हूँ। इस जगह का नाम है होटल अलका। और क्या खास है इस जगह के बारे में कि ये सीपी में एक होटल है जिसको 50 साल हो गए हैं। सीपी में ऐसे बहुत कम जगह हैं जिनको 50 या उससे ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक स्पेशल चीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली एक नहीं दो स्पेशल चीज़ें। वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। और एक एक करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है चैनल की। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो यार। तो चलते हैं और बढ़िया कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है खाने में। और अभी तो मैं होटल की लॉबी में हूँ। एक्चुअली हम लोगों का जो सारा खाने का डिस्प्ले है वो बाहर लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट क्या है। ये दही बल्ला पापड़ी इसको शेफ कितने टाइम हो गया इस थाली को स्टार्टिंग से बन रही है। अच्छा, तो जब ये थाली मतलब पहली बार आई थी तब से हमें कुछ थाली में बदलाव आया या वैसी है पूरी? नहीं, पूरी थाली वैसे ही है, सब कुछ हो ही है, हमने कुछ भी कम नहीं किया इसका। अच्छा, तो मतलब जब लॉन्च हुई थी तब भी सब यही आइटम रहती थी थाली में? यही आइटम थे। अच्छा। और थाली का मेनू हमारा हर जगह चेंज होता है। तो और अब ये दाल मखनी जा रही है? ये दाल मखनी है जी। अच्छा जी। और इसमें पालक कोफ्ता, फिर पालक कोफ्ता। अच्छा जी। कितनी कितनी सब्जियाँ होती हैं इसमें थाली में? इसमें 3 सब्जी होती हैं और एक दाल होती है। अच्छा, वो चेंज होते रहती है, पर डे चेंज होती है। अच्छा जी। और आज है हमारा बटर मसाला, पनीर बटर मसाला। एक सब्जी बच गई अभी। हाँ, एक बच गई है। ये आज हम दे रहे हैं आलू कैप्सिकम, आलू शिमला। कितने टाइम से आपकी थाली चल रही है? काफ़ी मशहूर है हमारे, काफ़ी लोग आते होंगे दिन में रोज़ थाली खाने। बिल्कुल आते हैं जी। ऐसा हुआ है कि बंदा आया और थाली खाई जा रहा है। नहीं, थाली में तो देखो हमारे आइटम इतने हो गए, अनलिमिटेड है। हाँ। और हमारी ये थाली से ही हमारा वेगा रेस्टोरेंट चल रहा है। मतलब थाली पहचान है? हाँ, थाली की पहचान है। वेगा चावल लहसुन का है, देसी घी में बनता है। अच्छा, सब कुछ देसी घी में बनता है। और सब्जियाँ हमारी रोज पर डे आती हैं, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा जी। हम कोई प्योरी वगैरह यूज नहीं करते हैं इस खाने के अंदर, फ्रेश आती है। तो शेफ, क्या क्या बच गया? अब देखो अभी तो स्वीट बचा है इसमें। अच्छा, अभी तो बहुत खाली खाली बहुत है। तो इस रेस्टोरेंट के बारे में एक खास चीज़ ये है कि ये रेस्टोरेंट प्योर वेज है और कनॉट प्लेस में है। और खाने में देखने में तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और अभी आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत सारा खाना है आज। और ये सारा खाना मैं अकेले नहीं खाने वाला, मेरे साथ करीबन आप लगा लीजिए 10 से 12 लोग और हैं और हम सब लोग मिलके ये खाना खाने वाले हैं। और एक बहुत बढ़िया डील आने वाली है इस रेस्टोरेंट के लिए, जो आप वीडियो देखते रहिए। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ये क्या स्पेशल डील है। 50 रुपये में आपको ये सारा खाना मिल सकता है। वीडियो देखते रहिए, मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा ये 50 रुपये में सारा खाना आप कैसे खा सकते हैं। और एक और यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे एक अनलिमिटेड थाली चलती है जिसमें आपको एक ड्रिंक, एक सूप, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट, बहुत सारा खाना देखने को मिलता है और बहुत यम्मी लग रहा है। तो बिना किसी देर के खाना स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं खाना कैसा है। और किचन में एक बार जाके देख के आते हैं कि थाली जो है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, जो 50 साल से ये थाली चली जा रही है, ये थाली कैसी है चेक करते हैं।
तो ये ठंडाई आएगी पहले, ठंडाई है हमारी। अच्छा, महाराजा थाली के साथ में। तो ये महाराजा थाली के साथ आपको सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो ठंडाई है। और अभी हम लोग हैं होटल अलका में, तो मैं आपको इनकी महाराजा थाली दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी चीज़ है और मैंने आपको शायद किचन भी दिखाई दी होगी। तो अब यहाँ से थाली से स्टार्ट करते हैं, ठंडाई से। एकदम फ्रेश सी ठंडाई है और एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया, सॉर्ट ऑफ देसी प्लैनेट क्लेंजर। और अब हमारा आ रहा है सूप, ये टमाटो शोरबा सर, आज का टमाटो शोरबा है। ये सूप टमाटो शोरबा ही रहता है या चेंज होते रहते हैं? नहीं, ये टमाटो शोरबा। अच्छा, ठंडाई और ठंडाई या जलजीरा में से आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और टमाटो शोरबा फिक्स्ड है, बाकी थाली में चीज़ें चेंज होती रहती है। ठीक है जी, तो ये इनका टमाटो शोरबा सूप है और उसके बाद थाली है। आप हमारी ना ऐसे करिए, थाली भी ले आइए, सूप तो हम फटाफट ख़त्म कर देंगे। तो टमाटो सूप भी हमने पी लिया, वो भी काफ़ी एकदम देसी टाइप का, उसका देसी टच था और काफ़ी अच्छा उसके फ्लेवर थे, खड़े फ्लेवर। और अब आ रही है हमारी थाली, थाली आ गई। अरे वाह, महाराजा थाली आ गई और थाली देखते ही मेरा पेट भर गया। ब्रेड है और इसमें दो डेजर्ट हैं, एक तो हम थाली के साथ ही सब करते हैं और एक अलग से जो है आफ्टर द फिनिश द फूड, आप जब खाना सरप्राइज है सर, वो खाना ख़त्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी ये हम आराम से थाली का आनंद लेते हैं और कम से कम 10-15 मिनट बाद आपको याद करेंगे। अब थाली खाना शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या है थाली में। तो ये है हमारी थाली और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने पनीर पकौड़े से। अरे वाह, आप देख सकते हैं पनीर पकौड़ा डिसेंट फ्लेवर है, काफ़ी अच्छा नहीं है पर डिसेंट फ्लेवर है। और अब टूट पड़ते हैं हम लोग अपने दही भल्ले पे, दही भल्ला पापड़ी जो मुझे देखने में ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि क्या बताऊं। थोड़ा सा भल्ला लेते हैं और एक पापड़ी लेते हैं। अरे वाह, ओहो, पापड़ी खा के मज़ा आ जाएगा। जो दही भल्ले में इतना बढ़िया जीरे का और सौंठ का टेस्ट है, उम्दा एकदम। और अब यहाँ से लेते हैं हम लोग मेथी पूड़ी और बढ़ते हैं हम लोग आलू शिमला पे। अरे वाह, क्या बात है। और यहाँ हम लोग लेते हैं भेड़मी पूड़ी और इसको खाते हैं इनकी फेमस दाल मखनी के साथ, बिना प्याज लहसुन वाली दाल मखनी। देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है इसका। और ये इनकी मिस्सी रोटी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। इसको मैं खाऊंगा पनीर बटर मसाला के साथ। थोड़ा सा पनीर तोड़ता हूँ। ओहो, साथ में मिस्सी रोटी, देखते हैं कैसा है। और अब खाते हैं इनका कोफ्ता, पालक कोफ्ता। थोड़ा सा पुलाव लेते हैं साथ में। अरे वाह, ये पीस पुलाव है। अच्छा जी, अब इसमें बचता है गुलाब जामुन। अरे वाह, गुलाब जामुन भी सब यहीं पे बनता है? हाँ जी, गुलाब सब चीज यहीं पे बनती है। अच्छा। आज का हमारा कुछ इसका डल्ली मलाई, ये क्रीम है जी। अच्छा, क्रीम। उसमें सिर्फ रोटियां डलती है, पूड़ियां डलती है? पूड़ियां भी मेरे को सुनने में, वो भी अजीब तरह की है, पुरानी दिल्ली वाली है, मेथी पिट्ठी की पूड़ी है। अच्छा, पिट्ठी पूड़ी जिसको बोलते हैं भेड़मी। भेड़मी, हाँ। अच्छा, और मिस्सी रोटी, नान पराठा, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं इसमें। हमारी मिस्सी रोटी लगा दीजिए, मिस्सी रोटी के शौकीन हैं। ठीक है, हमारे उस्ताद थे राम सेवक कालीचरण सदर बाजार के, पुरानी दिल्ली खाने के बारे में बहुत मशहूर थे वो। अच्छा, और उन्हीं का हम चेले हैं और मुझे भी यहाँ पे 39 साल हो गए। अच्छा। और अभी मैं यही हूँ, बाकी मैं रिटायरमेंट भी हो गया,
साहब अभी जाने नहीं दे रहे। आपने फिर लोगों को सिखा दिया होगा? बहुत लोगों को, मेरे से हुए लोग बाहर भी निकल रहे हैं। फिर अब वो आपकी सिखाई हुई थालियाँ बनाएंगे। तो गाइस थाली में 550 रुपीज़ का प्राइस है थाली का, और काफ़ी सारा खाना है यहाँ पे थाली में। मैंने काफ़ी इंजॉय करके ये थाली खाई है। तो बेसिकली अब हमने ऑलमोस्ट सारी थाली खा लिया, तो थाली के बारे में कुछ बता सकता हूँ मैं आपको। थाली के बारे में तीन चीज़ें। पहली जो ठंडाई है वो बहुत ही अलग ठंडाई है, उसका बहुत ही ज़्यादा फ्रेश टेस्ट है, एकदम एक तरीके की एकदम पैलेट क्लेंजर टाइप की रहती है कि आपकी मील स्टार्ट होने वाली है। दूसरा जो आपके पास एकदम सूप आता है, सूप एकदम चटपटा सा जैसे कहते हैं, एकदम देसी सा उसका फ्लेवर जैसा है। और पनीर पकौड़ा मुझे ठीक ठीक लगा, मतलब एक स्टार्टर के लिए कि है वहाँ पे ठीक है। दही बल्ला काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उसके अंदर जो जीरे और सौंठ का जो फ्लेवर था काफ़ी पसंद आया मुझे। और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई वो थी इनकी दाल। इनका पनीर थोड़ा सा मुझे जैसे कहते हैं ना एकदम घी में या तेल में या बटर में लिबड़ा हुआ नहीं है, काफ़ी एप्ट है, अच्छा लगा मुझे। और इनकी ब्रेड्स की चॉइसेस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब एक तरीके की आप माने तो ये छोटा सा एक बूफे जैसा ही है। 550 रुपये में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें मिल सकती है। एक जो अभी अभी नई नई लॉन्च हुई है आर्डर की थाली, उसका प्राइस 400 रुपये वेज के लिए, जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगा, यहाँ पे लिंक कर दूँगा, मोदी जी की 56 इंच की आर्डर की थाली, वो आप खा सकते हैं। दूसरी, अगर आपको नो अनियन नो गार्लिक खाना खाना है और वेज खाना है प्योर वेज, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका मेरे को थाली का हिसाब लगा। और 50 साल से अगर ये लोग थाली दे रहे हैं और रोज़ की 200 थाली बिक रही है, तो कुछ तो बात होगी जो सब लोग आके यहाँ पे थाली खा रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि आप बूफे में जा सकते हैं। देखिए बूफे में आप जा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, बट जो थाली का एक्सपीरियंस है वो बूफे का एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर सकता। और अनलिमिटेड थाली अपने आप में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट कुछ चीज़ें थाली की बूफे भी मैच नहीं कर सकता, तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये मिलता है, बट आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है। और आप लोगों को खाना खा के मन कर जाता है, मुझे पता है। तो अगर आप लोगों का मन नहीं भी कर रहा अगर कहीं जाने का, तो घर में कुछ अच्छा सा बना के खा लो यार। पर वीडियो ज़रूर एंड तक देखा करो, क्योंकि मुंह में पानी आ जाता, मेरे भी आ जाता है एडिट करते हुए। बट थोड़ा सपोर्ट करो यार, वेजिटेरियन आप भी, वेजिटेरियन मैं भी, सपोर्ट करो। अच्छा, और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे, जो ये ब्रेड्स हैं काफ़ी वैरायटी है इसमें। लच्छा पराठा मिलता है आपको, मिस्सी रोटी मिलती है आपको, मेथी की पूड़ी मिल जाती है आपको, भेड़मी पूड़ी मिल जाती है, जिसका काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और साथ में आपको एक एकदम देसी सैलड टाइप सा मिलता है। तो अब हम लोग लास्ट वाली चीज़ लेते हैं, जो है मटका कुल्फी, जो सरप्राइज़ है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था यहाँ पे, कि यहाँ जो इनका ऑफ़र चल रहा है वो सिर्फ मंडे से फ्राइडे है, मतलब कल से मंडे से फ्राइडे, मतलब 5 दिन चलेगा। 50 साल हो गए इनके, इसलिए ये ऑफ़र रखा है इन्होंने। और इस ऑफ़र में आप 50 रुपये में ये चीज़ें, ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ये आप लोग खा सकते हैं सिर्फ 50 रुपये में। सिर्फ एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप एक ही चीज़ मंगवा सकते हैं 50 रुपये की, बाकी सारी MRP पे है। तो अगर आपका मन करे 50 रुपये में पास्ता खाने का या 50 रुपये में और कुछ भी खाने का, तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे। तो शेफ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे प्याज और नो बिल्कुल नहीं, हमारे इस किचन में आती नहीं है। अच्छा, प्याज और लहसुन नहीं आता, प्योर वेजिटेरियन है। इसके पीछे कुछ या ऐसे ही कि मतलब स्टार्टिंग से प्याज और लहसुन नहीं करा? स्टार्टिंग से। अच्छा, क्योंकि हमारा मारवाड़ी टाइप का खाना था, प्योर वेजिटेरियन था और पुरानी दिल्ली वाला हिसाब था, एकदम खाना बिल्कुल। ये पिट्ठी पूड़ी और मेथी की पूड़ी, ये लो, ये पिट्ठी है, पूड़ी है, ये मेथी की मेथी की पूड़ी, गुलाब जामुन, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, आलू शिमला मिर्च, पालक कोफ्ता, दही बड़ा पापड़ी, सलाद हो गया, पीस पुलाव और पापड़, टमाटो सूप, और ड्रिंक में मिलती है आपको ठंडाई। हाँ, स्नैक्स होता है, पर डे चेंज होता रहता है। तो
शेफ, एक दिन में लगभग कितनी थालियाँ निकलती हैं? 150-200 थाली निकलती हैं, और शनिवार इतवार को हमारे पास ज़्यादा रस डबल रहता है। काफ़ी मतलब लोग पसंद करते हैं आपकी थालियाँ। हमारा तो रेस्टोरेंट ही थाली से ही मशहूर है। मेरा नाम ललित तिवारी है सर। कनॉट प्लेस आउट ऑफ सर्कल में है, पी ब्लॉक अलका होटल के अंदर, वेगा रेस्टोरेंट के नाम से है। 50 इयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, और हमारा जो है यहाँ पे अथेंटिक प्योर वेजिटेरियन हम सर्व करते आए हैं आज तक। फुल अथेंटिक, नो ऑनियन नो गार्लिक है सर। सर 50 साल में हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ आइटम्स हमने गेस्ट के लिए अपने रखी हैं। पाव भाजी, पकौड़ा बास्केट, सोया चाप, प्राइस रखा हुआ सर हमने 50 रुपीज़ पर डिश। ये मिलेगा सर मंडे टू फ्राइडे, 17 तारीख से 21 तारीख तक रखा हुआ। महाराजा थाली है, इज़ अ वेरी फेमस, बहुत पुराना, स्टार्टिंग से हमारी चल रही है। 7 साल का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस सर हमारा महाराजा थाली का रहा है। तो ये अनलिमिटेड है? बिल्कुल अनलिमिटेड है सर। तो मतलब पूरा पेड भर के? बिल्कुल सर अनलिमिटेड, कोई इसमें कोई वो नहीं है। कॉस्ट रहता है इसका 545 प्लस टैक्स है सर। और आपके वैसे टाइमिंग्स क्या रहते हैं रेस्टोरेंट ओपनिंग? ओपनिंग टाइम्स हमारा सर 12 to 11 मिडनाइट है, कंप्लीट होल डे ओपन है सर। और मेरे को तो बहुत पसंद आई। अब मैं अपनी मंगवाता हूँ मटका कुल्फी। हमारी अब स्पेशल जो आइटम थी, अब आप हमारी स्पेशल आइटम जो आप अभी तक हमने छपा के रखी हुई थी आपने हमसे। गाइस एक चीज़ में डेजर्ट के सरप्राइज में रह रहा था, और मैंने डेजर्ट में छोटू गोलू ही नहीं खाया, तो ये अब गोलू खाते हैं और इससे ऑफिशियली खाना ख़त्म कर देते हैं। सर ये हमारी स्पेशल डिजर्ट है। ओहो, और ये बहुत फेमस है पुरानी दिल्ली, जिसे कहते थे हम कभी पुरानी दिल्ली मटका कुल्फी, बहुत फेमस कुल्फी है हमारी पुरानी दिल्ली में। मैंने भी बहुत मटका कुल्फी खाई है, और ये शायद केसर वाली कुल्फी है। अरे वाह वाह, वैसे मैं गुलाब जामुन जहाँ पे भी खाता हूँ वहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ अपना खाना, पर इनकी स्पेशलिटी यहाँ से शुरू होती है। गुलाब जामुन तो थाली में है, मेन डिज़र्ट तो यही है पुरानी दिल्ली की मटका कुल्फी। अब इसको खाते हैं और एकदम इन्जॉय करते हैं। तो अभी हमारी आ गई स्पेशल मटका कुल्फी, और इसको ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। बट गुलाब जामुन वॉज लाइक फेवरेट, सारी मील्स गुलाब जामुन से एंड करो, और गुलाब जामुन को एंड में बचा के रखो, बिकॉज गुलाब जामुन इज़ द बेस्ट। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे कमेंट कर दो कि आपको बेस्ट थाली कहाँ पे लगती है। और अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लो, और नेक्स्ट वीडियो का ट्रेलर आ रहा है इन 3, 2, 1, तो बने रहो, बिकॉज न्यू वीडियोस थ्राइस अ वीक आ रही है। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लो। दिस इज मी तन्मय फ्रॉम वेजी पाजी साइनिंग ऑफ। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय नाउ।